वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ उड़द दाल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, स्वाद के साथ साथ ये न्यूट्रिशियस भी होता है, खास करके सर्दी के मौसम में इसे खाया जाता है। तो लेट्स मूव माय मस्त किचन टू प्रिपेयर उड़द दाल के लड्डू। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए है 1 कप उड़द दाल। दाल को हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। पहले छान लेंगे, अगर कोई डस्ट है तो वो निकल जाएगा। और इसके बाद एक साफ सूखा कॉटन के टॉवल से अच्छी तरह पोंछ लेंगे। आप किचन टॉवल से भी दाल को पोंछ सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। दाल हमने अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। अब दाल रोस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। दाल को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमें कढ़ाई को पहले गर्म करेंगे, उसके बाद दाल इसमें डाल देंगे। दाल को हमें ब्राउन कलर होने तक रोस्ट करना है। इसे करीब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किए हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। दाल को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। अगर कोई ओवर रोस्टेड ग्रीन है तो उसे डिस्कार्ड कर दें। जब तक दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। इसके साथ हम लेंगे 1 कप तगार, 1/2 कप घी, 2 बड़ी चम्मच काजू, 2 बड़ी चम्मच आलमंड बादाम, 4-5 छोटी इलायची। दोस्तों, तगार की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीसी हुई चीनी के जगह पर अगर तगार या बूरा इस्तेमाल करके लड्डू बनाया जाए तो ये होममेड लड्डू बाजार से मिलने वाले लड्डू से भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हम काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छोटी इलायची को हम ओखली में पीसकर पाउडर बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इलायची पाउडर बन गया है। इसका छिलका डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं तो लड्डू खाने वक्त ये मुंह में आ जाता है। अब ड्राई रोस्ट की हुई उड़द दाल को ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा नहीं बनेगा, ये कुछ कोर्स टेक्सचर्ड बनेगा ऐसा। आप एक मिक्सिंग बोल में पीसी हुई दाल ऐड कर दें, इसमें तगार ऐड कर दें, इलायची पाउडर ऐड कर दें, काटी हुई काजू और बादाम भी ऐड कर दें। चम्मच से इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर में घी मेल्ट करके ऐड करें। दोस्तों, यहाँ पे एक बात की ध्यान रहे कि सारे घी एक साथ ऐड ना करें, थोड़ा सा घी बचा के रखें। चम्मच से मिक्स करने के बाद अगर मिक्सचर ड्राई लगे, लड्डू ना बांधे, तो बाकी घी ऐड कर दें। घी कम या ज्यादा होने से लड्डू ठीक से बांधेगा नहीं। अब हाथ से मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर दें और गोल गोल लड्डू बनाएं। लड्डू के साइज अपना जरूरत के हिसाब से छोटा, बड़ा या मीडियम बनाएं। दोस्तों, इन लड्डुओं को 1.5-2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी।
इसे अपना किचन में जरूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।